व्हाट्सएप में फाइनली दो न्यू फीचर को ऐड कर दिया गया जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर। आप इस दो फीचर के बारे में जान जाएंगे तो आप भी बोलेंगे क्या कमाल का फीचर को ऐड किया गया है। दोस्तों इस फीचर के मदद से आप घंटों के काम मिनटों के अंदर में व्हाट्सएप में कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल फीचर है। और अभी अभी व्हाट्सएप ने इस फीचर को व्हाट्सएप में ऐड किया गया है। आप नोटिस करते होंगे कि पहले व्हाट्सएप एक नॉर्मल एप्लीकेशन था, लेकिन अब व्हाट्सएप एक नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं रह गया है। ऐसा ऐसा फीचर को ऐड कर रहा है व्हाट्सएप में ताकि यूजर को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आए। तो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले चलते मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बार में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे फीचर देखने को मिलेगा। अनरीड का ऑप्शन है, फोटो का है, वीडियो का है, लिंक का है और GIF का यानी कि गिफ्ट का है, उसके बाद ऑडियो का है और डॉक्यूमेंट्स का। ये पहले आपको व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलता था, ये नया ऑप्शन को ऐड किया गया। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अनरीड का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जितना भी मैसेज को सेंड किए हैं अभी तक, कौन कौन लोग है जो अनरीड यानी कि मैसेज को रीड नहीं किया, यहाँ से आप सभी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आप व्हाट्सएप पे कितना फोटो को सेंड किया, आपके पास कितने लोग फोटो को सेंड किया, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स खुल जाएगा और सभी फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट उस बंदे का चैट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट किसी भी फोटो या वीडियो या डॉक्यूमेंट्स को यहां से सर्च करके खोज सकते हैं। उसके बाद वीडियो पर भी क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां से लिंक भी आप देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक करेंगे तो अभी तक आपको व्हाट्सएप पे कौन कौन लिंक सेंड किया, आप किन को लिंक सेंड किए, कितना डेट को सेंड किए, कितना टाइम को सेंड किए, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फीचर से आपको यह फायदा होगा कि आप व्हाट्सएप में किसी भी फोटो को या वीडियो को डायरेक्ट आप खोजना चाहते हैं यहाँ से सर्च करके तो आप इजीली खोज सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे सर्च बॉक्स में, उसके बाद यहाँ पे आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फोटो वीडियो ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपका काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे बचत होगा। तो सबसे पहला अपडेट ये है। दूसरा अपडेट यह है कि आपको किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ से किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप के डीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे देखिए चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता था, कैमरा का और गैलरी का। यहाँ पे दो न्यू फीचर को ऐड किया गया, जैसे कि इमोजी का और यहाँ पे सर्च का। तो इमोजी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप डीपी के बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप कोई भी इमोजी को सिलेक्ट करके और अपने ग्रुप में डीपी इमोजी के जरिए लगा सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ सर्च वे पे, इस पे क्लिक करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आप डीपी लगाना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके आप लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे रोज लिख देता हूँ, तो जैसे रोज लिख के और सर्च करेंगे तो रोज से रिलेटेड जितना भी फोटो होगा व्हाट्सएप डीपी के साइज का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपके गैलरी में भले ही ये डाउनलोड नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरनेट से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी आप डीपी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे ये पसंद आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड लेगा यहाँ पे लोडिंग होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका यह डीपी का साइज क्या जाएगा। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, जैसे डन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में डीपी सेट हो जाएगा। तो आपको अलग से कोई भी फोटो इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहां से सर्च करके और कोई भी डीपी लगा सकते हैं। यही दो न्यू फीचर था व्हाट्सएप का जो कि काफी कमाल का था। दोस्तों व्हाट्सएप के ये दो न्यू फीचर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन में ये फीचर नहीं मिला है तो आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद भी आपको ये फीचर नहीं मिला तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फीचर अभी ज्यादातर बीटा वर्जन में आया है, तो आपको वेट करना है, आपको भी यह फीचर बहुत जल्दी मिल जाएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए।